ये वीडियो चार लोगों के लिए है। पहले लोग वो है जिनकी विंडोज चल नहीं रही है, ब्लू स्क्रीन दिख रही है या फिर लोडिंग चल रही है, मतलब उनकी विंडोज उड़ चुकी है, वो कैसे विंडोज डाल सकते हैं, या फिर आपने नया पीसी बिल्ड करा है और उसमें विंडोज नहीं डली हुई है, उसमें विंडोज कैसे डालनी है। और तीसरे लोग वो है जो अपने विंडोज को रिसेट करने चाहते हैं, बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं। और चौथे लोग वो है जो अपने विंडोज में क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते थे, पायरेटेड विंडोज यूज करते थे, और अब वो सोच रहे हैं कि भाई हमें सेफ सिक्योर एक ओरिजिनल विंडोज यूज करनी है। तो आप इन चार में से कौन से, वो नीचे कमेंट में बता देना। आगे ये प्रोसेस बताने से पहले यहाँ पर दो मेन रिक्वायरमेंट्स आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको डिटेल में आर्टिकल मिल जाएगा, पूरे स्टेप्स दिख जाएंगे और रिक्वायरमेंट्स दिख जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर दो मेन जो पॉइंट्स है वो बता देता हूँ कि आपके पास एक 8 GB की कम से कम पेन ड्राइव होनी चाहिए और आपके पास 6 GB डेटा होना चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट है तो और अच्छी बात है। अब देखो आगे एक प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, उसके लिए आपको एक विंडोज कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर आपका पीसी करप्ट हो चुका है या फिर नए कंप्यूटर में विंडोज डालनी है तो भाई अपने किसी दोस्त से विंडोज पीसी ले लेना, उस पर 5-10 मिनट का काम है वो करने के लिए। तो ऑनलाइन ना विंडोज 11 काफी जगह मिल जाएगी, लेकिन ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर जाना, क्रिएट विंडोज 11 इंस्टॉलेशन मीडिया का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके नीचे डाउनलोड नाउ दिखेगा, उस पर क्लिक करना, फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। तो बस अब आपको 8 GB या उससे ज्यादा की एक पेन ड्राइव कनेक्ट करनी होगी। तो पेन ड्राइव मैंने कनेक्ट कर रखे, यहाँ पर दिखा रहा है कि इसमें कुछ डेटा है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से अपने पेन ड्राइव का डेटा भी बैकअप कर लेना, बस इस सॉफ्टवेयर को खोलना, नेक्स्ट करते चले जाना और यहाँ पर आपको अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मेरी एफ ड्राइव है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। इसके बाद डाउनलोड होगा और आपकी पेन ड्राइव रेडी हो जाएगी। देख सकते हो विंडोज 11 इस पेन ड्राइव में आ चुकी है और ये बूटेबल पेन ड्राइव है जो कि 4.47 GB डेटा कंज्यूम करा है हमारी विंडोज ने। अब इसके बाद अपने कंप्यूटर को ऑन करना और ऑन करते टाइम बूट मेन्यू पर जाना। मेरा बूट मेन्यू F7 से खुलता है और यहाँ पर मुझे अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता आपका बूट मेन्यू कैसे खुलता है, तो मैंने जो लिंक दे रखी है ना वहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, उनको आप ट्राई कर सकते हो या फिर गूगल कर सकते हो। यहाँ पर मेरी सोनी की पेन ड्राइव है तो मैंने यहाँ पर सोनी वाली स्टोरेज को सिलेक्ट करा और इसके बाद हमारी पोर्टेबल पेन ड्राइव में जो दिखा रहा था ना वो यहाँ पर खुल चुकी है विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन। यहाँ पर पूछ रहा अपग्रेड करना चाहते हो तो हमें नहीं करना है, तो हम फिलहाल नो पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश US सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर एक ट्रिक है, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में ना इंग्लिश वर्ड सेलेक्ट करना, ये ध्यान से ट्रिक यूज कर लेना। ये मैंने क्यों बताया वो मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कीबोर्ड इनपुट में इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर देना और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना और इसके बाद प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर विंडोज सिक्योर तरीके से यूज़ करनी है तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एंटर कर देना। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से मेरी की जो है बाइंडेड है, तो वो उसको बाद में मैं साइन इन करके कर दूंगा, तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ और यहाँ पर विंडोज 11 प्रो को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इनके टर्म्स को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमें अपग्रेड नहीं करना, कस्टम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने ड्राइव को ध्यान से सेलेक्ट कर लेना, अगर आपने SSD अलग से लगा रखी है तो 240 GB है वाली है तो उसको ध्यान से साइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, और अगर आपके पहले से थी तो उसके साइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना, और अगर आपको एक ही ड्राइव दिख रही है तो उसको सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मेरी जो ड्राइव थी इसमें मेरी पहले से विंडोज इंस्टॉल थी सी ड्राइव में, तो उसको मैंने पहले फॉर्मेट करा उसके बाद सेलेक्ट कर लिया। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी विंडोज जो है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, काफी बार आपका PC बूट होगा। अब यहाँ पर आपको कीबोर्ड लेआउट पर इसको इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद बाकी चीज़ें स्किप कर देना और अपना वाईफाई का पासवर्ड डाल देना और अपने PC का नाम रख देना। यहाँ पर सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ मैंने क्लिक कर दिया। तो अब ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैंने इसको साइन इन कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि अपने पुराने बैकअप से रिस्टोर करना है, तो मुझे नहीं करना है, मैंने न्यू PC की तरह इसको सेटअप कर दिया, अपना पिन डाल दिया और बाकी चीज़ें स्किप कर दी। अब इसके बाद हमारा PC स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर स्क्रीन आपको पिचकी दिख रही होगी, इसको सही करने के लिए सेटिंग में जाना, डिस्प्ले में जाना और यहाँ पर डिस्प्ले रिजोल्यूशन पर मैक्सिमम जो ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट कर लेना, ये चीज़ फिक्स हो जाएगी। मैंने वहाँ पर आपको इंग्लिश वर्ड जो सेलेक्ट करवाया था ना इसलिए कराया था क्योंकि इसमें आपको ब्लॉटवेयर फ्री विंडोज 11 मिलती है, फालतू की जो टिकटॉक वगैरह वाली एप्लीकेशन होती है वो नहीं होती, सिर्फ मेन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी और हमारी सी ड्राइव में विंडोज सिर्फ 26 GB में इंस्टॉल हो गई। वैसे एक फैक्ट की बात बताऊं ना, ये वीडियो में 7 या 8 साल पहले बनाने के लिए सोच रहा था, मैंने एक वीडियो में बोला भी था मैं ये वीडियो बनाऊंगा और उसके बाद मैंने फिर 5 साल पहले भी एक बार बोला था कि मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, इवन मेरे पास रिकॉर्डेड है, मेरा कंप्यूटर में पड़ी है। खैर कोई नहीं, मैंने आज वीडियो बना दी। इस प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट आता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा और भी काफी सारी यूजफुल वीडियोस आने वाली है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो बस आपको एक पेन ड्राइव